बाजार इस बीच 45 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 8 अंकों का। निफ्टी पर जिस तरह का रुझान आज दिख रहा है और कई दिनों से 8,150 की रेंज में निफ्टी, 8,250 की रेंज में जो निफ्टी समय बिताता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही राय बटी हुई दिख रही है हमारे पांच एक्सपर्ट्स की। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है निफ्टी पर वो है 8,100 से लेकर 8,130 का, ऊपर 8,250 पर जाकर अटकेगा बाजार, ये राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पर राय, और प्रभुदास लिलादर की टेक्निकल एक्सपर्ट वैशाली पारेख हमारे साथ है। वैशाली, निफ्टी पर शॉर्ट करने की राय दे रही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि वैशाली की लिस्ट में चार स्टॉक्स हैं और चारों में खरीदारी की राय है। वैशाली, इससे पहले मैं स्टॉक्स पर आपकी राय पूछूं, ये क्या वजह है कि आप निफ्टी पर इतनी बुलिश नहीं है लेकिन स्टॉक्स आप चारों खरीदने की राय दे रही है? जो मैंने स्टॉक्स चुने हैं वो एक्चुअली ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल रहेगा, इसलिए मैंने UPL एक तो रेकमेंड किया है। जो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से स्टेबलाइज हो रहा है 445 के लेवल्स पे, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में इतनी बेरिश मैं नहीं हूँ। थोड़ा निफ्टी में करेक्शन थोड़ा टाइम बीइंग के लिए आ सकता है, लेकिन मैं बेरिश नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सब स्टॉक्स अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम में चलने चाहिए, इसलिए मैंने बाय रेकमेंड किए हैं UPL में, सीमेंस में, ग्लेनमार्क और सेंचुरी टेक्सटाइल्स। और वैसे देखा जाए तो सब सेक्टर्स रोटेशन में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं वो नेक्स्ट रैली में चलने चाहिए। चलिए तो अब एक एक करके आपके सारे स्टॉक्स पर बात करते हैं। आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर है सीमेंस, बताएं क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स आप इसके लिए लेकर चल रही हैं? सीमेंस देखे जैसे देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में अभी मोमेंटम शुरू होना लग रहा है। लार्सन ऑलरेडी अब सपोर्ट लेके चल चुका है, तो अब सीमेंस की बारी मुझे लग रही है। मेरे हिसाब से ट्रेंड भी अभी फेवरेबल होने लगा है, तो 1300 का सपोर्ट लेके मेरे ख्याल से ये अभी 1400-1410 का टारगेट आना चाहिए। चलिए 1410 के लक्ष्य के लिए सीमेंट्स आप खरीद सकते हैं। और वैशाली, ये जो लेवल्स आप दे रही हैं वो सारे क्या इसी महीने के फ्यूचर्स के हैं या फिर कैश मार्केट के हैं? फ्यूचर्स के हैं, महीने के फ्यूचर्स के हैं। तो चलिए सीमेंट्स में आपके लिए बन सकता है मौका एक खरीदारी का। और स्टॉक में आप देखें तो आज 1% के आसपास की मजबूती नजर आ रही है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा बदलाव है नहीं, लेकिन तेजी करके चलें 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक और मिड कैप स्टॉक जहां पर वैशाली की राय है खरीदारी की, बताइए इसके बारे में। सेंचुरी भी कई दिनों से यहाँ ये 530 लेवल्स के ऊपर स्टेबलाइज हो रहा है, तो आज भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट्स स्टॉक स्पेसिफिक चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब सेंचुरी भी रन अप होना चाहिए। ओके, स्टॉक आज 1.5% मजबूत है, इनफैक्ट 1.2% मजबूत है, और ओपन इंटरेस्ट में 1,00,000 से ज्यादा शेयर जुड़े हैं सेंचुरी में। तेजी की पोजिशन बनती दिख रही है वायदा कारोबार में। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 10 रुपए नीचे 520 के आसपास, 540-545 तक का लक्ष्य 2-3 दिनों में आते हुए नजर आ सकता है। यूनाइटेड फॉस्फरस तो आपने बताया कि 440 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए UPL, और ऊपर की तरफ लक्ष्य बनता है 480 का, 440 का स्टॉप लॉस है। और स्टॉक में आज बेहतरीन मूव है, 2.5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन आखिरी पिक के तौर पर एक मिड कैप फार्मा स्टॉक को चुना है वैशाली ने, और वो है ग्लेनमार्क, बताइए। ग्लेनमार्क जैसे कि फार्मा सेक्टर में भी कई स्टॉक्स अच्छे से चल रहे हैं, आज ऑरो फार्मा ऑलरेडी चल चुका है, तो अब ग्लेनमार्क का भी देखा जाए तो 980 का बड़ा अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो मैं ये स्टॉक रेकमेंड करूंगी बाय करने के लिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ का 1100-1150 का मैं देख रही हूँ। ओके, तो ग्लेनमार्क है अगला स्टॉक जहां पर तेजी करने की राय वैशाली की तरफ से। आप देखिए स्टॉक 1.5% मजबूत आज, लेकिन ग्लेनमार्क में सबसे बढ़िया बात जो मुझे नजर आ रही है वो है इसका ओपन इंटरेस्ट। आप देखिए 6% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ग्लेनमार्क का, 1,85,000 शेयर नए जुड़े हैं ग्लेनमार्क के ओपन इंटरेस्ट में, स्टॉक 1.5% मजबूत है। और यहाँ पर 980 का स्टॉप लॉस लगाकर वैशाली की राय खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही है, और 1140 का टारगेट है। एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, चारों बेहतरीन पिक्स जो वैशाली ने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है, सीमेंस सबसे ऊपर, और सीमेंस में अगर आप इस वक्त देखें तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ वो खरीदारी करने की राय दे रही है 1400 से लेकर 1410 तक के टारगेट के लिए। वहीं सेंचुरी टेक्सटाइल एक और मिड कैप स्टॉक है जहां पर तेजी करने की राय है,
530 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिक गया तो 540-545 तक जल्दी बढ़ सकता है, 520 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऐसा वैशाली मानती है। यूपीएल एक और स्टॉक है जहां पर 440 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का मौका बन सकता है। स्टॉक में आज बेहतरीन परफॉर्मेंस है प्राइस के लिहाज से भी, और 2.5% से ज़्यादा मजबूत ऑलरेडी हो चुका है, 480 तक जा सकता है, एक स्टॉप लॉस 440 के आसपास लगाना चाहिए। ग्लेनमार्क आखिरी पिक है मिड कैप स्पेस से जहां पर खरीदारी करने की राय है। वैशाली कह रही 980 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए इसे, और 1140 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चलना रहेगा आपके लिए मुनासिब। और इस बीच बाजार पर डाली नजर, बाजार में बेहद शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 30 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 6 अंक नीचे है, मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती है, बैंक निफ्टी मजबूती के साथ टिका हुआ 0.5% से ज्यादा मजबूत है, तो दिग्गजों में भी रुझान काफी मिला जुला नजर आ रहा है, जहां सेंसेक्स निफ्टी थोड़े से कमजोर है और उसकी वजह भी साफ है। इंफोसिस जैसा स्टॉक है जो अभी तक दबाव बनाए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कमजोरी का रुझान है, लेकिन बाकी स्टॉक्स काफ़ी एक्शन में, खासतौर से मेटल्स में देखिए वेदांता, हिंडालको, टाटा स्टील दमदार प्रदर्शन करते हुए आज फिर से लेंगे एक छोटा साथी। वैशाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार एकदम शांत।